सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. मैं जो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री किसी दिन, एक दिन में कह सकते हो आप, कुछ निश्चित संख्या में, निश्चित नंबर में, सर्टेन नंबर में टॉयज बनाते हैं, ठीक है ना. तो हमने एक्स मान लिया, किस दिन, किसी भी दिन एक्स टॉयज बनाए जाते हैं, ऐसा मान लिया. अब बच्चों एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, वो इसमें उसकी कंडीशन दी गई है क्या, 55 में से किसी दिन जितने भी टॉय बनते हैं, कितने बनते हैं बच्चों, वो हमने एक्स मान रखा है. तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो हो जाएगा बच्चों 55 माइनस एक्स. देखिए क्वेश्चन समझिए आप, हमने ये मान लिया किसी दिन जो है एक्स टॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, ऐसा क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों कि 55 में से उस दिन जितने भी टॉय बने वो माइनस कर लें तो वही कॉस्ट ऑफ ईच टॉय के इक्वल होगा, ठीक है ना. अब इसके बाद ये बच्चों रुपीज मिलेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स टॉयज इज इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स. क्यों बच्चों, कुल टॉय हमारे पास एक्स है, जबकि एक टॉय कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जिस दिन जितने भी टॉय बने हैं उनकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. लेकिन बच्चों दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर डे पे जितने भी टॉय बनते हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 750. तो बच्चों हमने जो निकाला एक्स में वही आया, लेकिन ये 750 के इक्वल हो जाएगा. किसी दिन टोटल कॉस्ट कितनी बनती है बच्चों, एक्स 55 माइनस एक्स, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 750. तो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, समझे ना बच्चों. तो इसका मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आइए, माइनस 750. अब ऐसा कर लीजिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले माइनस एक्स प्लस 55, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55, अब माइनस 750 इज इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो. ये वो क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हम एक्स पता कर सकते हैं. अब 750 के ऐसे दो फैक्टर सोचें जिसका सम 55 हो, 25 और 30. तो इसे आप लिख पाएंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750. इसके ऐसे दो फैक्टर 30 और 25 होंगे जिनका सम 55 के इक्वल होगा. x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30, और यहां से माइनस 25 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो. x माइनस 30 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25.